गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया। बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हैं जो समय के साथ खो गए, जिन्होंने कभी अपने अभिनय से लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। छोटा शो पहनते हो? सर, मेरे पिताजी कहा करते थे कि कुर्ता तो शरीर के उपरार्ध की लज्जा निवारण के लिए होता है। हालांकि वक्त की रफ्तार के साथ उनका करियर काफी बदल गया। कुछ ऐसा ही हाल 70-80 के दशक के मशहूर अभिनेता अमोल पालेकर का रहा है। अमोल भले ही दिखने में शांत थे, लेकिन ईगो बहुत था उनमें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इस बारे में उन्होंने खुद बताया था कि उन्हें कई अच्छी फिल्में मिली, लेकिन कुछ को उन्होंने अपने घमंड की वजह से छोड़ दिया था। 24 नवंबर 1944 को मुंबई में जन्मे अमोल फिल्मों में कदम रखने से पहले थिएटर में काम किया करते थे। ऑफ बीट फिल्मों के स्टार अमोल अपने शांत और सहज अभिनय से लोगों का मन मोह लेते थे। उनकी बोलने की स्टाइल, कॉमेडी करने का ढंग और इमोशनल कर देने का अंदाज भी निराला था। शायद यही वजह थी उन्हें सिचुएशनल कॉमेडी किंग कहा जाता था। 70-80 के दशक में उन्होंने कई सारी हिट फिल्में दी। उन्होंने उस दौर की कई बड़ी एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर, रेखा, परवीन बॉबी, शबाना आजमी जैसी बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम किया और एक्टर्स में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र, राज बब्बर, संजीव कुमार संग स्क्रीन शेयर किया। वो 1970 के दशक में अपने सिंपल से अभिनय के द्वारा उभरे थे। हिंदी के साथ ही साथ मराठी सिनेमा में भी उनके नाम का सिक्का खूब चलता था। हालांकि एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें फिल्में कम मिलने लगी और धीरे धीरे एक्टिंग से दूर जाने लगे, लेकिन वह तब भी फिल्मों में बने रहे। फिल्मों का निर्देशन कर वो दुनिया के सामने उभरने लगे। एक निर्देशक के रूप में उन्होंने कई फिल्मों को डायरेक्ट करने के साथ साथ कुछ सीरियल्स का भी निर्देशन किया। अमोल ने साल 1981 में मराठी फिल्म आकृत से डायरेक्शन में कदम रखा। उनकी लास्ट डायरेक्टेड फिल्म पहली थी। इस फिल्म में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन थे। हालांकि ये फिल्म नहीं चली, जबकि उनकी फिल्म को ऑस्कर के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में इंडियन एंट्री डिक्लेयर किया गया था, लेकिन फिल्म अवार्ड नहीं जीत पाई। अपनी फिल्मी करियर की जर्नी को लेकर अमोल ने बताया था कि ऐसा नहीं था कि वह फिल्में नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह फिल्म में काम किसी से मांगना नहीं चाहते थे। उन्होंने बताया था कि एक बार डायरेक्टर बासु चटर्जी ने उन्हें फिल्म ऑफर की थी जो राजश्री बैनर के तले बन रही थी। हालांकि उन्होंने ये कहते हुए उस फिल्म को इनकार कर दिया कि वह किसी फिल्म के प्रोड्यूसर से मिलने के लिए लाइन में खड़े होकर नहीं जाना चाहते।